गाइस आपको भी यही प्रॉब्लम है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी एपीएस आईडी लिए हैं किसी में भी आपका एपीएस ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, किसी में आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है, किसी में कुछ और एरर आ रहा है, और जितने भी एपीएस आईडी आप लिए होंगे और बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करने की कोशिश किए होंगे जिसमें आपको कुछ ना कुछ एरर देखने को मिला होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसका सलूशन मैं लेकर के आया हूँ। और अगर आप काम करना चाहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का ज़्यादातर कस्टमर आपका है तो आप एपीएस का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कौन सा कंपनी के साथ आपको जाना चाहिए जिसमें आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अगर आपका ज़्यादातर बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है तो आप इस आईडी को लेकर के अपने कस्टमर का बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ज़्यादातर केस में ये होता है कि काफ़ी सारा एपीएस कंपनी है जिस जो बोलते हैं कि हाँ भैया हम आपको आईडी देते हैं, इसमें आप ट्राई कीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, लेकिन आप आईडी ले लेते हैं काम नहीं होता है, आईडी आपका बेकार चला जाता है। काफ़ी सारा आप आईडी लेके ट्राई किए होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो गाइस आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो अगर आप कोई भी एपीएस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और इस तरह का कस्टमर आपके पास आया है जो बैंक ऑफ बड़ौदा का है और उस वो आपके पास कैश विड्रॉल के लिए आया, लेकिन आप उसका कैश विड्रॉल जैसे ही कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एरर आपको मिल रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या किया है कि अपने सर्वर पे कुछ एरर फिक्स करके रखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं चाहते हैं कि उनके साथ कोई फ्रॉड करे, उनके कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड करे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सर्वर पे एक सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर लगा करके रखा है, और जिस वजह से कोई भी आप एपीएस कंपनी के साथ काम करते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वो आपका ट्रांजैक्शन नहीं होता है। किसी में कई तरह का और आपको एरर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। हालांकि गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं चाहता है कि आप उनके कस्टमर के साथ कुछ भी फ्रॉड करें, और जिस वजह से वो अपना सर्वर पे ये एरर लगा करके रखा है, जब भी आप कोशिश करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करना तो नहीं हो पाता है। तो गाइस अगर आपके पास बहुत सारे एपीएस आईडी है और जिसमें आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आप कर पाएंगे, कैसे आपको करना है, कौन सा आईडी के साथ आपको काम करना होगा, तब आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर का ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है गाइस अगर आप कोई भी दूसरे एपीएस के अंदर आप 1,010 रुपये, 1,020 रुपये, 1,050 रुपये, 2,050 रुपये इस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस तरह का ट्रांजैक्शन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के नज़र में है कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस तरह का जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी रिटेलर इस तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले कि आप जो भी ट्रांजैक्शन इस तरह का कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये सब रोकना पड़ेगा। और एक चीज़ है कि अगर आप उस डिवाइस को यूज़ करते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे मोर्फो मंत्रा, जिससे आप 1,010 रुपये, 20 रुपये इस तरह का ट्रांजैक्शन किए हैं, तो फिर आपका जो है ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन अभी आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन अभी फिर से शुरू कर दिया गया है और गिने चुने एपीएस कंपनी के आईडी पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो गाइस आपको करना क्या होगा, अगर आप इस तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 1,010 रुपये, 2,020 रुपये इस तरह का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो ये करना बंद कर दीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं समाधान वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक एपीएस कंपनी है जो कि काफ़ी पुराना एपीएस कंपनी है, लगभग 3-4 साल से ये काम कर रहे हैं मार्केट में,
और गाइस अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर ज़्यादातर आता है तो आपको इस आईडी को लेकर के काम करना चाहिए। यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन आप आराम से कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको समाधान वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अगर आपको चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आईडी हमसे ले करके आप आराम से बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस अगर आप NXDL eKYC पेन इंस्टेंट लेना चाहते हैं, अभी हमारे पोर्टल पे ऑफर चल रहा है, मात्र 20 रुपये में आपको रिटेलर आईडी मिल जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अगर आप लेते हैं तो 299 में आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल जाएंगे। तो आप हमारे इस साइट पे जाकर के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर आप ले सकते हैं। केवल रिटेलर के लिए ऑफर है, मात्र 20 रुपये में आप रिटेलर आईडी ले सकते हैं और इस साइट पे जाकर के आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्टर्ड करेंगे इंस्टेंट के इंस्टेंट आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, मात्र 20 रुपये पे करके आप आईडी ले सकते हैं। तो चलिए गाइस अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करना है तो आप समाधान वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और आईडी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, भारत के कोई भी कोने से हैं, कहीं से भी हैं, भारत के कोई भी स्टेट से हैं तो आपको आईडी मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और रिटेलर आईडी आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए गाइस अगर आपको चाहिए आईडी तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।